हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मैं रश्मि स्टाइलिश ब्यूटी। आज हम फिर से स्किन केयर पे वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताएंगे। गर्मियों में स्किन दिन ब दिन काली होती जा रही है, स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो चुका है, स्किन पे सेंटन की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन, झुरियाँ जाने के निशान है, काले दाग धब्बे के निशान है, एक्ने पिम्पल्स के निशान है, फाइन लाइंस रिंकल्स के निशान है, स्किन पे झुर्रियाँ पड़ गई है। अगर इस रेमेडी को अप्लाई कर लेते हैं आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगा, आपका स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह चमकने लगेगा। इस रेमेडी को अप्लाई करते हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स है स्किन पे वो सब दूर हो जाएगा। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ऐसा रेमेडी आपने कभी भी यूज नहीं किया आज से पहले, अगर इस रेमेडी को अप्लाई कर लेते हो ना आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा गोरा चिट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रेमेडी बनाने के लिए इस तरीके का एक बॉल लेना है, इसमें एक चम्मच कच्चा मिल्क लेना है। ध्यान रहे कच्चा मिल्क होना चाहिए, पका हुआ नहीं रहना चाहिए। ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। स्किन पे अगर काले दाग धब्बे के निशान है, पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ जाने के निशान है, इसको रिमूव करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे इस तरीके का एक फेयर लवली क्रीम, ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाने का काम करता है। अगर स्किन पे दाग धब्बे के निशान है, पिगमेंटेशन है, झुर्रियाँ जाने के निशान है, उसको लाइट अप करता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा यंग बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे आधा चम्मच के करीब फेयर लवली क्रीम को ले लेना है। ये आसानी से लोकल मार्केट में 10 रुपये का पैकेट मिल जाता है। इस तरीके से इसमें बॉल में निकाल लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे आधा कटा हुआ नींबू का रस। इस नींबू का रस बिल्कुल हमें 2 से 3 बूंद ही ऐड करना है, ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना है। इस तरीके से स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाता है नींबू। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, स्किन को ब्लीच करने का काम करता है, स्किन पे दाग धब्बे के निशान है उसको लाइटन अप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, स्किन को गोरा बनाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे आधा चम्मच एलोवेरा जेल। स्किन पे नमी लाता है, स्किन पे अगर पिंपल्स के निशान है, दाग धब्बे के निशान है, उसको रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, स्किन को बहुत ही ज़्यादा फेयर बनाने का काम करता है। अब उसके बाद हम इन सबको एक स्पून की मदद से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, एक क्रीम फॉर्म में बन के रेडी हो जाए। इस तरीके से मिक्स कर लेना है। रेमेडी बनके तैयार हो चुका है बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में बनके तैयार हुआ है। अब इसको किस तरीके से अप्लाई करना है तो चलिए हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पूरे फेस पे इस क्रीम को अप्लाई करना है, पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद 10 मिनट के लिए बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, ज़्यादा रगड़ते हुए, ध्यान रहे मसाज नहीं करना है, नहीं स्किन पे डैमेज हो सकता है। इस तरीके से पहले फेस पे अप्लाई करना है, उसके बाद 10 मिनट के लिए मसाज करना है। अगर इस रेमेडी को अप्लाई कर लेते हो ना आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर होने वाला है। अगर आपको कहीं शादी पार्टी में जाना है, स्किन पे ग्लो नहीं है, बिल्कुल भी निखार नहीं है और टाइम भी नहीं है पार्लर में जाके फेशियल करवाने का, तो इंस्टेंट ग्लो चाहिए स्किन पे। अगर इस रेमेडी को बना के अप्लाई कर लेते हो ना आपकी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो देगा, ये फेशियल से भी गुना ज़्यादा निखार देगा। इस रेमेडी को अप्लाई करने से स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। इस रेमेडी को अप्लाई करते हुए आपकी स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगा, आपका स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह चमकने लगेगा। इस रेमेडी को अप्लाई करने से इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। इस रेमेडी को जब भी अप्लाई करें फ्रेश बना के फ्रेश ही अप्लाई करें, इसे बना के ना रखें। आप इस रेमेडी को चाहे तो हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करें, इससे क्या होगा आपको आपकी स्किन पर लंबे टाइम तक ग्लो देखने को मिलेगा, आपका स्किन नेचुरली ग्लो करेगा। सब अगर स्किन पे दाग धब्बे के निशान है, पिगमेंटेशन, झुर्रियाँ जाएँ के निशान है, फाइन लाइंस रिंकल्स के निशान है, पुराने से पुरानी झुर्रियाँ जाएँ के निशान है, बहुत सारे रेमेडीज लगा के थक चुके हो लेकिन स्किन पर जो प्रॉब्लम्स है वो दूर नहीं हो रहा है, तो मेरे बताए गए इस रेमेडी को अप्लाई कर लेते हो ना आपकी स्किन पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगा, आपका स्किन बहुत
बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगा। अगर स्किन लूज़ हो गया तो उसे टाइट करेगा, आपका स्किन बिल्कुल ग्लास स्किन की तरह चमकने लगेगा। इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करें, आपका स्किन लंबे टाइम तक ग्लो करेगा। रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, फटाफट से बना के अपने फेस पर अप्लाई करें। इसे 10 मिनट के लिए मसाज करना, उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। जिस तरीके से मैं मसाज करने के लिए बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से मसाज करना है। अगर आप सही डायरेक्शन में मसाज नहीं करते हो तो आपकी स्किन पे फ़र्क नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मसाज मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं गिलेटॉल से आपको सबको रिमूव करके दिखा रही हूँ। आप सब देख सकते हो मेरे फेस पे बहुत ही अच्छा फ़र्क देखने को मिला है। मेरा फेस बहुत ही अच्छा ग्लो कर रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कोई महंगा फेशियल कराया हो। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई होममेड रेमेडी अपने फेस पर अप्लाई किया है। अगर आप भी इसी तरह से ग्लो पाना चाहते हो, अपने स्किन को दिखाना चाहते हो, स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो, इस रेमेडी को हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करें। आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा फेयर हो जाएगा, स्किन पे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगा। तब तक के लिए बाय, सी यू।